तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये प्योर कास्ट आयरन का तवा जिसमें मेरी मूंगफली अभी रोस्ट हो रही है और हमें इसमें आज बनाना है डोसा फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं लेट्स सी कैसे बनता है तो ये हो रहा है मेरा चटनी का सामान रोस्ट तो मुझे बेसिकली इसमें डालना है कटा हुआ नारियल जो मैंने ऑलरेडी धो के रखा है थोड़ी सी लहसुन हरी मिर्ची अगर लाल है वो भी चलेगी बट हरी ज्यादा अच्छी रहती है और रोस्ट आपके नट्स मूंगफली के दाने ये अच्छे से हो जाए तो इसको तो मैं इसी जार में सेम जार में सबको ट्रांसफर करके ग्राइंड करूंगी तो मैं ये सारी चीजें निकाल लेती हूँ जो कि हल्की हल्की रोस्ट हो गई हैं तो ये रहा मेरा चटनी का सामान जिसमें मैंने लिया है नारियल अदरक मूंगफली भुनी हुई और भुनी हुई मिर्ची अब इसको मुझे ग्राइंड करना है बट उससे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट हिसाब से ज्यादा नहीं हल्का सा ही पानी डालना है क्योंकि ग्राइंड करना है हमें और मैं इसे करूंगी फटाफट से बंद मैं इसमें लास्ट में ऐड कर थोड़े से इमली तो ये है हमारा चटनी इसको मैं ओपन करती हूँ अब मैं लगाऊंगी चटनी में तड़का गिरा कड़ी पत्ता और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई सा ऑयल ज्यादा नहीं थोड़ा सा तो अब मैं ये तड़के को डाल दूंगी हमारी चटनी में जो हमने बनाया है अभी अभी चटनी को करेगा थोड़े से ट्रांसफर एक बॉल में ताकि ये अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए तो ये हमारी प्रॉपर चटनी आज की जो हो गई है रेडी सो फाइनली अब आ गई हमारी बारी अपना तवा में डोसा डालने की ढोसा नहीं चलिए तो हमारा तवा हो चुका है गरम छन्ना के दाल इसे ऐसे डालने के लिए हमारे दूसरे दवा पे तो जैसे कि ये फर्स्ट ट्रायल है इसलिए मैं ज्यादा इसको बड़ा नहीं करूंगी देखने के लिए कि ये पलटता है या नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कास्ट प्योर आयरन में बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता ये पलटेगा या नहीं लेट्स सी थी। ठीक है तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगी तो इसको ऐसे ही पलटना पड़ेगा प्लेटसी कैसे होता है और ये रहा मेरा चाकू और ये रहा चिमटा जिसमें मैं आज बनाने वाले हूँ डोसा वेरी नाइस ओ भाई साहब ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था <laughs> तो अब मैं यूज करूंगी ये हमारा डोसा पलटने के लिए और ये हो चुका है बिल्कुल रेडी एकदम एकदम दुकान के जैसे तो मैं इसे करूंगी साइड गैस को करूंगी थोड़ा सा फ्लेम लो <laughs> तो ये ऐसे आके मेरे पैर पे बैठ जाता है ताकि उसको कुछ खाना मिलेगा देखो लिटरली ऐसे बैठ गया है ये हमें डालेंगे हल्का सा खाने देखो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनेगा फाइनली इतने देर बाद ये जाके प्रॉपर बन रहा है क्योंकि अब हमें पता चला है कि इसे बनाना कैसे एक्चुअली तो बेसिकली इसको हल्का सा ऑयल करके पानी डाल के तवे को रखना है और मीडियम करके स्लो गैस को तब ये प्रॉपर बनेगा नहीं तो जल जाएगा या फिर चिपक जाएगा इसलिए इसको ज्यादा धीरे भी नहीं रखना है ज्यादा तेज भी नहीं रखना है गैस मीडियम से लो बीच में रखना है सेट करके तो ये बिना चाकू बिना पलटे किसी के भी जस्ट ऐसे करोगे तो निकल जाएगा मैं अब दिखाती हूँ ये कैसे हो रहा है तो इसमें मैंने हल्का सा घी डाला है और इसको कुछ भी नहीं किया नाइफ से और थोड़ा सा मोटा रखा है लेयर ये देखो क्या बढ़िया सा बन गया है जैसे हम लोग शॉप में खाते हैं तो ये लेने से तवा लेने से डोसा नहीं बनेगा अच्छा आपको तवा लेने के बाद कैसे प्रॉपरली बनाना है उसे ये निकल के आए अच्छा वो आपको पता है जो कि आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा पहले आपको तवा लेना पड़ेगा उसके बाद आपको डोसा का बैटर उसमें डाल के डोसा बना के प्रिपेयर करना पड़ेगा रहा हमारा फाइनल डोसा प्लस हमारी चेक मस्त दुकान जैसा है या कैसा है दुकान अच्छा है